सत्यपाल मलिक जी ने जो कल इंटरव्यू दिया है, आरोप बहुत गंभीर है और एक ऐसे व्यक्ति से आ रहे हैं जो एक सीनियर नेता भी है, पूर्व राज्यपाल भी है और इतना करीबी प्रधानमंत्री के रहा था कि जब 370 हटाया जा रहा था तो एक संवेदनशील दौर में एक संवेदनशील राज्य के वो राज्यपाल बनाए गए, तो कुछ सोच समझ कर ही बनाया होगा, कुछ करीबियां रही होंगी, विश्वासपात्र रहे होंगे। तो कोई ये भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के 2 रुपए के ट्रोल तो है नहीं कि उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया जाए। गंभीर बात कर रहे हैं, विस्फोटक इंटरव्यू है। 4-5 उन्होंने महत्वपूर्ण और प्रमुख मुद्दे उठाए हैं। जो कोट अभी आपने उनका देखा कि मैं सेफली कह सकता हूं प्रधानमंत्री जी को करप्शन से बहुत नफरत नहीं है। आज सत्यपाल मलिक जी की स्थिति क्या है, पहले उस पर 2 मिनट बात कर लें। 1 मिनट, किराए के मकान में दिल्ली में रह रहे हैं, 1 PSO के साथ। हमें मालूम है प्रधानमंत्री जी को सत्य की आवाज से ज्यादा मधुर गुलाम की आवाज लगती है, तो सत्यपाल जी को 1 PSO दे रखा है। जिस व्यक्ति की देखरेख में 370 हटाया गया, जिस पर भारी खतरा है, उस व्यक्ति को आपने 1 PSO दे रखा है। दिल्ली के एक कोने में किराए के मकान में वो रह रहे हैं। आप अपने कुछ समाज में जहर घोलने वाले एंकर्स, ऐसे फिल्म निदेशक जो आपकी चाटुकारिता करते हैं, और ऐसे अभिनेता जो आपकी स्तुतिगान करते हैं, उनको आपने एक्स वाई जेड अलग अलग तरह की सिक्योरिटी दे रखी। सत्यपाल मलिक जी को आपने क्यों छोड़ दिया है ऐसे खतरों के मुंह में, पहले हम यह आपसे जानना चाहते हैं।